विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसात पर। MNC कंपनीज जैसे नेटको फार्मा, जॉनसन एंड जॉनसन, PNG, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के करीब शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर गेटेड कम्युनिटी। चेयरमैन AA3 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। आप सभी का खैर मकदम है AA3 तेलंगाना न्यूज पर। आज बरोजे पीर यानी मंडे बतारीख 8 जनवरी का दिन है। आइए देखते हैं AA3 तेलंगाना न्यूज का खास खबरनामा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर एनुमुला रेवंत रेड्डी ने एक काबीना जेली कमेटी की तश्कील का ऐलान किया है, जो प्रजा पालना के तहत मौसूल होने वाली बड़ी तादाद में दरख्वास्तों पर गौर करेगी, जो कि कांग्रेस हुकूमत के जरिए शुरू किया गया पहला अवामी राबता प्रोग्राम है, जिसका हाल ही में अख्तिताम हुआ है। काबीना पैनल की सरबराही डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का करेंगे और उसके अरकान के तौर पर विजरा पोंगोलेटी श्रीनिवास रेड्डी और डी श्रीधर बाबू होंगे। कमेटी को कांग्रेस हुकूमत की 6 जमानतों अभय हस्तम के निफास के लिए तरीक़ेकार वज़े करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चीफ मिनिस्टर ने पीर को सेक्रेटरीट में विजरा और सीनियर अहदेदारों के साथ प्रजा पालना का तफसीली जायजा लेने के बाद ये फैसला लिया। बाद में नामानिगारों को ब्रीफिंग देते हुए मिस्टर श्रीनिवास रेड्डी और मिस्टर प्रभाकर ने कहा कि 28 दिसंबर से 6 जनवरी के दरमियान प्रजा पालना के दौरान लोगों से तकरीबन 1.5 करोड़ दरख्वास्तें मौसूल हुई है, जो कांग्रेस की 6 जमानतों से मुतालिक थी। आइंदा लोकसभा इंतखाबात से पहले भारतीय जनता पार्टी BJP ने पीर को गोशा महल के MLA टी राजा सिंह को हैदराबाद पार्लिमानी हलके तेलंगाना का इंचार्ज मुकर्रर किया। पार्टी ने तेलंगाना के दीगर 16 लोकसभा हलकों के इंचार्ज का भी नाम दिया है। तेलंगाना में लोकसभा हलकों के BJP इंचार्ज राजा सिंह के अलावा 16 दीगर को तेलंगाना में लोकसभा हलकों के इंचार्ज के तौर पर मुकर्रर किया गया है। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद कोठा कोटा श्रीनिवास रेड्डी ने पीर को एक हुक्मनामा जारी किया, जिसमें 14 जनवरी बरोजे इतवार की सुबह 6 बजे से 16 जनवरी बरोजे मंगल की सुबह 6 बजे के दरमियान शहर की हदूद में तमाम रास्तों और मजहबी मुकामात पर पतंगबाजी पर पाबंदी आयद की गई। कमिश्नर ऑफ पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि ये अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए किया जा रहा है। मजीद ये कि पुलिस ने कहा कि बग़ैर इजाज़त अवामी मुकामात पर लाउड स्पीकर और DJ का इस्तेमाल ना किया जाए। रिहायशी इलाकों में शोर की इजाज़त दिन के वक्त 55 डिजिबल और रात में 45 डिजिबल है। मजीद बरान रात 10 बजे के दरमियान लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और शाम 6 बजे सुप्रीम कोर्ट के रहनुमाया खतूत के मुताबिक इजाज़त तलब करने वाले शख्स और घर के मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वह इस बात को यकीनी बनाए कि मुकर्रर उसूलों की तामील की जाए।